फॉर टीम मेंबर, इफ आई कम टू कुवैत आई विल विजिटिंग टू यू ब्रदर। तो पहले पहले लाइक कर देते हैं, एक लाइक दो लाइक। यू गाइस आर वॉचिंग टू मी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यार आप लोग आओगे, ढेर सारे पैसे कमाओगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करोगे, तो ये आपके अंदर ही बहुत बड़ी बात है। अपना घर छोड़ना बहुत गूदे के लिए गूदा चाहिए कि यार निकले घर से और बाहर जाए, पैसे कमाए। बहुत लोग ना आने के बाद में ना वापस भाग जाते हैं। तो सीन में क्या है कि सिनेमा वाले का कि देखो भाई आप आओगे ना यहाँ पे, आपको वही मेरी तरह, मगर उनकी अभी भाई को फोन किया, भाई सच में नहीं पहचान पाया था। भाई मेहनत देखो, मेहनत ये है ड्राइवर, और साथ में मेरे साथ में दीपक है। और तो भाई अभी घर पे आ रहे हैं, तो टाइम वगैरह वही एज यूजुअल जैसे आपको बता चुका हूँ। कल सबसे एक्साइटेड वाली बात बताओ क्या है, कल मेरी छुट्टी है और ये भाई जाने वाला है जुलाई। कल मैं तो मजे करूँगा, डंगरी चला के कल मेरा सोने का नहीं। वहाँ पे एक और यूट्यूब देखो, एक और ब्लॉग बन रहा है, रील बन रहा है, देखो उधर वहाँ पे और रील। तो सब मतलब इस टाइम पे इतना कॉन्टेंट क्रिएटर हो गया है ना कि पूछो मत भाई। फिल्टर। चलो भाई यहाँ पे पापा की परी लोग बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो अब आज के दिन, कल के दिन आपको ये मॉल नहीं देखने मिलेगा, कल के दिन खाली मेरा घर देखने मिलेगा। और मैं कल क्या बकलोली करने आ रहा हूँ, और कल मेरा डे ऑफ है, तो कल मेरी छुट्टी होने वाली है। हाँ उसको देखना, हाँ ठीक है ठीक है। चलो भाई, तो ये भाई आपको दिख रहा है ना, तो सीन क्या हो गया, अभी सिक्योरिटीज के अंदर है ना, इन लोग को यहाँ पे मेन गेट आने नहीं दे रहा। एक्चुअली ये है ना कस्टमर का एरिया, तो वहाँ पे ट्रक खड़ी हुई है, आपको दिखाता हूँ वाला एरिया। तो भैया वो बेचारे को मैंने रोका, पूरा बैग भी चेक किया, और उसके बाद में बोला कि भाई डिलीवरी ड्राइवर को ऐसा तकलीफ भी होता है, अभी मॉल में ऑर्डर लग गया ना तो उनको जाना पड़ता है, तो सिक्योरिटी लोग बहुत उंगली करते हैं, बोलते ये गेट से अलाउड नहीं है, दूसरे गेट से जाओ, अपना सिविल आईडी जमा करो, अपना ये जमा करो, वो जमा करो, मतलब बहुत तकलीफ होती है। क्या करें, अभी करना ही पड़ेगा ना। तो उसने अपना पूरा बैग वेग दिखाया, तो उसको बोला नेक्स्ट टाइम यहाँ से मत आना, दूसरे जगह से आना, जो आपको मैंने दिखाया वो चांद तारा वाला बस बना हुआ है, तो लास्ट वाला दिखाया वहाँ से आने के लिए बोला। अब देखो वो अपना गाड़ी उठाएगा फिर वहाँ से जाएगा। तो फिलहाल कुछ नहीं, हम जाते हैं घर पर, आज का दिन बहुत ही अच्छा गया मेरा, भगवान थैंक यू आज का दिन अच्छा जाने के लिए। और आप लोग मेरे को इतना प्यार दे रहे, सपोर्ट दे रहे, बस वही है। और बात रही सिनेमा घर की, तो अपन घर पे नीचे पहुँचेंगे, तो आपको सिनेमा घर के बारे में जो बताने वाला हूँ ना, क्या सीन है, कैसा सीन है, जैसे कि लास्ट वीडियो में बता रखा हूँ, तो उसके बारे में बात करेंगे आज घर पर जाने के बाद में। ओके भाई, मेरे को एक नजारा देखने मिला है, देखो ये है क्या, कौन सी चीज है, सही है जी, खतरनाक चीज देखने मिली है मेरे को। तो आज मैंने अपने एक फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात किया, माँ कसम वो है ना पहचान ही नहीं पा रहा था कौन है, और फिर बाद में मैंने उसकी वाइफ से बात किया, उसने मेरे को पकड़ लिया कि शशिकांत भी बोल रहा है, मैंने कुवैत के नंबर से इंडिया पे फ़ोन किया था। तो लेट्स अभी बात करता हूँ, ये है मेरा दोस्त, तो भाई का फ़ोन लगाते हैं, देखते उठाता है वीडियो कॉल में कि नहीं। पहले मैंने नॉर्मल कॉल पर बात किया था, रिंगिंग हो रही है, लेट्स टॉक। कैसा है मेरा भाई, खाना खा रहा है? खाना खा रहा हूँ। अरे पापा नहीं पहचान पाए मेरे को, तुम्हारी मम्मी ने पहचान लिया। अरे वाह, मेरा बेटा भी साबुनदाना खा रहा है यार, सबके घर पे साबुनदाना बना है क्या? वाह, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? तो मैंने अभी भाई को फोन किया, भाई सच में नहीं पहचान पाया था। भगवान
एक्चुअली क्या हो गया ना, मैं अभी ना अपना दहेंडी का फोटो देख रहा था, तो इसके अंदर तेरा फोटो आ गया सामने मेरे, तो मेरा चल यार बहुत दिन हो गया बात नहीं हुआ, और तो सबको बोल रहा था ये नीचे बैठो ये ऊपर बैठो, बोला यार चल मेरे पुरानी यादें ताज़ा कर लेता हूँ और तेरे पास मैं फ़ोन करता हूँ। तो अभी तू मेरे ब्लॉग आ रहा है, तू अभी ब्लॉग में आ रहा है मेरे। पहले से प्लानिंग किया था कि मैं तेरे को फ़ोन करूँगा नॉर्मल, बट तू पहचान पता कि नहीं है पहचान पता, बट तूने नहीं पहचान पाया, मगर शिल्पा ने पहचान लिया बराबर से। शिल्पा किधर है? वो तेरे इंग्लिश से पहचानी। इतनी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रही हाय कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ। तू बराबर पहचान लिया यार, तू देखो मेरा वॉइस पता था क्या? तो इंस्टाग्राम पे बनाते हो ना आप ऑनलाइन कभी लाइव वगैरह आते हो, तो मेरे को बराबर समझ में आया वॉइस। सही है जी भाई, बोलते ना अभी मेरी आवाज मैडम को पहले से पता था, तो सही है। अच्छा लगा यार तूने मेरे को पकड़ा, मेरे को सही लगा, मगर अनिल नहीं पकड़ पाया क्योंकि उससे कभी बात ही नहीं हो पाती थी। हाय बेटा। नहीं अच्छा ऐसी बहाने बात कर ली, याद तो किए काफी टाइम के बाद में मैंने कॉल किया। तो गाइस मैं अभी बात कर लेता हूँ एंड देन आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद में। सो ये मेरे स्कूल के फ्रेंड्स है जो काफी टाइम से ये सोच ही रहा था कि फोन करूँ, तो मैं अभी बात करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई अभी जस्ट दोस्त के साथ में बात करके मज़ा आया, इनकी वाइफ से उसके बच्चे से बात किया, अरे मेरे क्लासमेट यार मेरे बचपन के फ्रेंड है, तो बहुत अच्छा लगा, प्रैंक भी कर लिया छोटा सा। एंड जस्ट मैंने अपना एक मैसेज खोला यार, आपको दिखा देता हूँ। सी लुक एट दिस मैसेज, क्या मैसेज आया है? आई जस्ट क्लियर माई इंटरव्यू टूडे फॉर टीम मेम्बर, इफ़ आई कम टू कुवैत आई विल विजिटिंग टू यू ब्रदर। तो पहले लाइक कर देते हैं, एक लाइक दो लाइक, चलो भाई थैंक यू सो मच भाई। अगर आप क्या नाम है, आकाश देवल थैंक यू सो मच मेरा भाई, अगर आपने वीडियो देखा है एंड वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर लाइक कर ही देना, बट आपका मैसेज कमेंट आया वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो शुक्रिया दिल से। देख रहे हो अभी सुबह का गया बंदा, अभी काम पर से आ गया है, तो मेरे यहाँ पे बज रहे हैं कुछ 7:30, सो इट्स टाइम टू गो अप, अभी जाता हूँ फ्रेशअप होता है। तो अच्छा लगता है यार आप लोगों का कमेंट प्यारा प्यारा आता है एंड यू गाइस आर वॉचिंग टू मी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यार आप लोग आओगे ढेर सारे पैसे कमाओगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करोगे, तो ये आपके अंदर ही बहुत बड़ी बात है। अपना घर छोड़ना बहुत गूदे के लिए गूदा चाहिए कि यार निकले घर से और बाहर जाए पैसे कमाए, बहुत लोग है ना आने के बाद में ना वापस भाग जाते हैं, ऐसा भी सिनारियो हो रखा है। तो आप उन अभी बात करने वाले हैं सिनेमा के बारे में, क्या सैलरी क्या है, तो चलो ऊपर चलते हैं एंड बात करते हैं। भाई इसी के साथ में मैं पहुंच गया हूं अपने जिम पर, तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और ख़त्म करने से पहले पानी गिर गया। बॉटल को शूट कर रहा हूं, मतलब मोबाइल रखा था नीचे, उठाया तो पानी ऐसे नीचे गिर गया था, कोई नहीं। तो जी हाँ आप बात करने वाले हैं सिनेमा के बारे में, तो पहले थोड़ा सा वर्कआउट करते करते मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा पसीना आने तो पहले तो बात बैठूंगा ना, तो बैठते समय मैं बता दूंगा कि क्या सीन है, कैसा सीन है, कितना सैलरी, कितने घंटे, सब पता चल जाएगा। ओके सो आई एम गोइंग टू डू फर्स्ट दिस वन। फील हो रहा है? तो ये मैं प्राइमरी कैमरा है एंड वाइड एंगल से नहीं शूट कर रहा हूँ, मैंने वो जो डंबल पड़े हैं ना 25 किलो के दो चेस्ट मारा, अभी तीसरा सेट बाकी है, एक सेट ख़त्म हुआ खाली, हाँ एक सेट ख़त्म हुआ है, दूसरा चल रहा है यार। ओके अपन बात करने जा रहे हैं कि क्या सीन है। ओके तो अपन बात करने वाले हैं कि सिनेमा हॉल में जॉब का क्या सीन है। मैंने जहाँ तक मैंने अपने एंड से पता किया आपको बता देता हूँ, सांस फूल रहा है यार। तो सिनेमा हॉल का क्या सीन है, अरे मेरा भाई छुट्टी है 15 दिन छुट्टी है, तो मैं भी वर्कआउट ही कर रहा था, भाई मिल गया अपना, गाना सुन रहा है प्यारा था, तू ही यार मेरा। और कैसा तबीयत पानी? वैकेशन आगे बढ़ा दिया, दिसंबर में था, जनवरी बढ़ा दिया, कल मेल आया ना 45 डेज में, इसीलिए वजह एक गुड न्यूज़ है तो मैं बाद में बताऊंगा।
45 डेज मेरे को इतना खुशी हुआ कि पूछो मत भाई। तो उसके बारे में बाद में आपसे बात करूँगा, अभी फिलहाल मैं भाई से बात कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं। ना भाई आ गया था तो बात कर रहा था उससे, तो लेट्स गो भाई कनाडा जाने का प्लान कर रहा है, तो आपको बाद में बताऊंगा कनाडा का क्या डिटेल्स है यार। धीरे धीरे मैंने उससे पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला है और ये सब चीज़ आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली मेरे पास में रखने के लिए जगह नहीं, पहले रख लेता। तो सीन क्या है जॉब के लिए, हाँ सिनेमा वाले फटाफट बता दूँ क्या? हाँ ओके सी चलेगा। तो ये भाई बोल के गया, तो सीन में क्या है सिनेमा वाले का कि देखो भाई आप आओगे ना यहाँ पे, आपको वही मेरी तरह मगर उनकी सैलरी थोड़ी कम है। जैसे कि मेरे यहाँ पे 140 है तो वहाँ पे ना उनकी 120 के डी सैलरी है, ये सैलरी है प्लस ऊपर का जेब में गया, ये सब सीन होता है। मैं तो नहीं बोलूँगा कि आप लोग वो सब करो। फिर इसके बाद में कभी कभी कस्टमर टिप देता है, अगर आप उसको पॉपकॉर्न समोसा वगैरह ऑन द शूट पे दोगे ना, जहाँ पे वो बैठा है सीट पे दोगे, तो वहाँ पे टिप भी मिलने का चांसेस है, मगर बहुत कम बोल रहा हूँ। फिर इसके बाद में आपको एक जगह ड्यूटी करनी पड़ेगी स्क्रीनिंग में, जहाँ पे टॉर्च लेके दिखाना पड़ेगा सर आपका सीट उधर पे जाके बैठ जाओ, वो लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। फिर इसके बाद में एक होता है बेवरेज के पास में, एक होता है इंचार्ज जो खाली टिकट देख के तभी अंदर छोड़ता है, और एक होता है टॉर्च लेकर जो स्क्रीनिंग के पास में छोड़ता है। तो नॉर्मली 120 केडी का सैलरी उनको मिल रहा है। अगर नसीब आपकी रही कि मूवी अच्छी चल रही है और लगातार कंटिन्यू शो पे शो है, तो वहाँ पर आपको मिल जाता है अच्छा खासा, मतलब ओवरटाइम मिल सकता है। हाँ आप डिपेंड करता है कि वो मूवी अच्छी हिट होनी चाहिए और अच्छा बिजी होना चाहिए, लोगों का क्राउड आना चाहिए। ओके, और आपको उसमें कंपनी का अकोमोडेशन रहेगा, खाना पीना आपको 120 के डी में मैनेज करना पड़ेगा, वो कंपनी फूड आराम नहीं देगी, क्योंकि पॉपकॉर्न ही तो बेचते हैं और क्या बेचते हैं। हाँ पॉपकॉर्न छोटा मोटा सैंडविच कोला ये सब वो सब पी सकते हो, कोला एक दो पियो कितना पियोगे, डेली नहीं पी पाओगे, मैं खुद ही नहीं पीता, कभी कभी ट्राई नहीं किया हूँ। फिर उसके बाद में आपको क्या 120 सैलरी और कंपनी का अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग कंपनी का और रहना खाना पीना तुम्हारा रहेगा, खाली 120 पड़ेगा। और कभी कदा इंसेंटिव मिलता है तो मिलता है, और डिपेंड्स करता है कि किस तरह का सेल हो रहा है, यही सीन है। तो जी हाँ आप लोगों को बस इतना ही बताना था, और थोड़ा बहुत झूल झपाटा होता है जो कि मेरे को पता चला है, अब जान लो, और झूल झपाटा के चक्कर में मत पड़ो, मैं तो वही बोलूँगा, बाकी सब आपकी मर्जी। आप लोग कैसा मिलता है, कहाँ से मिलेगा जॉब भाई, गूगल छान मारो, पूरा गूगल छान मारो, इंस्टाग्राम छान मारो, लिंक्डइन छान मारो, ट्विटर छान मारो, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है, मगर ना छान मारो, खाली छान मारो बोल रहा है। जेन्युइन रहेगा कंपनी तो ही ट्राई करो, उनका रिव्यू चेक करो, उनका स्टार चेक करो, कितने स्टार मिले हैं उसको गूगल पे, और कोई ऐसी जो लिंक्डइन वेबसाइट है उस पर तभी अप्लाई करो। ओके, बाकी सब आपकी भगवान वाले ऊपर छोड़ दो एंड अपना बेस्ट दो। चलो मिलता हूँ आपको बाद में, मेरे को मेरा वर्कआउट फिनिश करना है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, नहीं तो मेरे टाइम वैसे ही चले जाते हैं। हाँ चलो बाय, टेक केयर। आई होप तो कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। हाँ क्या, अगर आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं अच्छे से ऊपर रूम में बैठ के बनाऊंगा, क्योंकि अभी घाई गड़गड़ी में जो भी बनाया, जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन था वो मैं आपको बताया हूँ। ओके चलो बाय, टेक केयर।